नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे साथ जी हाँ, आज इंदौर यात्रा में मैं आपको लेकर आया हूँ इंदौर के रीजनल पार्क में। यहाँ पर अनूठा संगम मिलता है। प्रेमी जोड़े आते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। और जाना भी इसीलिए जाता है ये पार्क। थोड़ा सा बता दे रीजनल पार्क के बारे में कि हजारों दिल हर साल यहाँ पर टूटते हैं, हजारों दिल यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि प्यार का महीना आने वाला है। उसी की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये भारत देश है मेरे दोस्त। इस देश में सभी को आज़ादी है, और ख़ास करके प्यार की आज़ादी तो सभी है, क्योंकि हिंदुस्तानी जाने जाते हैं प्यार के नाम से। तो देखिए खास रिपोर्ट हमारे साथ, किस तरह से एंजॉय करते हैं रीजनल पार्क में लोग। प्रेम व्यक्ति के जीवन का आधार है। बिना प्रेम के एक खुशहाल जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं है। शायद सच्चा प्रेम ईश्वर की प्राप्ति जैसा होता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इंदौर का ये रीजनल पार्क प्रेम के लिए बना है। जी हाँ, हजारों जोड़े हजारों दिल यहाँ पर हर साल मिलते हैं और अपने प्रेम को पा लेते हैं। आपको बता दें कि प्यार शब्द का मतलब आसानी से समझ में नहीं आएगा, उसे हमें महसूस करना होगा। एक प्यार ऐसी क्रिया है जिसे भगवान ने हमारे लिए बनाया है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को उसके सारे सुख दुख की बातें बताता है, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। और इंदौर का ये रीजनल पार्क इतना खूबसूरत इतना सुंदर बना हुआ है कि यहाँ पर बैठ कर अपने प्रेमी को जीवन के सुख दुख की बातें बताना एक प्रकृति जैसा है। घमासान.com से कृष्णपाल राठौर और रवि धाकड़ की रिपोर्ट।